अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं सदर मार्केट में। और सदर मार्केट में जैसा कि आपको पता है, परिंदों की बड़ी तादाद में यहाँ पे काम होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज हम यूसुफ भाई के साथ मौजूद हैं। यूसुफ भाई की दुकान में बहुत सारी वैरायटी है, जानवरों के हवाले से भी और परिंदों के हवाले से भी। यूसुफ भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। अस्सलाम भाई, यूसुफ भाई क्या हाल है, कैसी तबीयत आपकी? यूसुफ भाई, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? काम कम से कम 20 साल से कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपके पास किस तरह के क्लाइंट आते हैं इसमें? हमारे पास हर तरीके का बंदे आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, हर तरीके का बंदा हमारे पास आता है। और किस किस तरह की वैरायटीज पे आप काम कर रहे हैं परिंदों के वाले? हमारे पास मोर भी है, सुरखाब भी होते हैं, छोटा आइटम भी होता है, चकोर हो गए, तीतर हो गए, मका हो गए, मुर्गी हो गए, हर वैरायटी होती है। आप मुझे दिखाएं ना, क्योंकि पीछे आपकी क्या है भाई? ये क्या है? ये बेल्टम है। अच्छा, ये मुर्गा है? हाँ, ये मुर्गा है। ये कहाँ का होता है? ये भी आता है, ये पंजाब से आता है, बाहर के किया। ये भी वही बेल्टम दिखा रहे हैं। ये इसका बड़ा साइज है। अच्छा, ये बड़ा साइज है। अच्छा, इसकी प्राइस क्या होती है सुबह? सीजन के हिसाब से चेंज होते हैं या आप अपने हिसाब से? सीजन के हिसाब से माल ज़्यादा होता है तो रेट कम होता है, सीजन में माल नहीं होता तो पैसे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो माल लेने में तो कोई दुश्वारी नहीं होती सुबह? नहीं नहीं। ये क्या है उसमें? चकोर है। अच्छा, अच्छा, चकोर के हवाले से तो हमने बहुत सारी बातें सुनी हुई, इसकी कोई स्पेशलिटी बताया मैंने सुना? इससे जादू नहीं होता है? इससे जादू हो गया, कोई तावीज़ वगैरह, कोई अगर में असरात वगैरह होते हैं वो इस पर असर करते हैं, अगर नहीं लगते फिर उस पर असर कर जाते हैं। अच्छा, वो नहीं होते थे? नहीं, फिर असरात वगैरह नहीं होते। अच्छा, ये जो ये क्या वैरायटी है भाई? ये चाइना मुर्गी है। अच्छा, ये चाइना मुर्गी, चाइना से आती है? ये चाइना मुर्गी, इसमें काला कलर भी आता है, वाइट भी आता है, गोल्डन भी आता है, ग्रे भी आता है। अच्छा, और यूसुफ भाई इसके अलावा ये जो तोते हैं? ये फिशर है। फिशर? हाँ, फिशर। ये कितने का कपल है फिशर का? जो 2500 रुपये एक कपल, एक जोड़ा, एक जोड़ा 2500। अच्छा, ये रेट इसे कम ज़्यादा होते हैं या सेम रेट कम ज़्यादा होते हैं? सर्दी में बढ़ जाते हैं, गर्मी में कम हो जाते हैं। और क्या है आपके भाई यूसुफ भाई? ये हरे तोते हरे तोते हैं। हाँ, ये एक जगह क्यों बैठे हैं इसमें? डर है ना, लोग आने जाना ज़्यादा लगा रहता है तो इसलिए खोने के अंदर ही खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तंग भी करते हैं। ये है कितने का? ये 6000 रुपये का एक मेल है। एक एक मेल 6000 रुपये, 10000 रुपये का एक बड़ा पियर। ओह, और यूसुफ भाई इसके अलावा ये भी सेम है? ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी। ये भी, ये क्या है? ये फाख्ता है। फाख्ता, इसकी क्या क्वालिटी है भाई? भाई ये भी सही है, आवाज़ें निकालता, खूबसूरत आवाज़ है, घर में अच्छा लगता है पढ़ने। अच्छा, घर में रखने के लिए? घर में। ये कौन सा तोता है इसमें? ये कॉकटेल है। कॉकटेल? हाँ, कॉकटेल। ये कितने का एक कपल है? इसमें क्रीम कॉकटेल भी है और 5000 रुपये फिर है, और ग्रे कॉकटेल भी है और 4000। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए यूसुफ भाई, ये सर्दियों में जब रेट बढ़ते हैं तो इसकी कोई खास वजह होती है क्या? ये ब्रीड कम कर देता है ना, अंडा बच्चा नहीं देते, कम देता है, इसकी नस्ल कम हो जाती है। हाँ, गर्मी में ब्रीड ज़्यादा देता है। तो ये मुर्गियाँ भी जो है वही है भाई? ये बफ है। बफ? ये बफ है, वो बेल्टम का, ये गोल्डन बफ है। ये कितने का भाई? ये जोड़ा जो है 10000 रुपये। एक जोड़ा 10000। ये तो भाई जानवर, ये तो परिंदे हैं, जानवरों का भी आपका है? जानवरों का भी है, मगर वो इधर रख नहीं सकते, उसके लिए बड़ा जगह चाहिए। ये पिंजरे छोटे हैं सारे परिंदों के, तो जानवर इसमें नहीं आ सकते। और ये सुबह ये क्या है? पास्ता क्या है? ये फ्लैमिंगो को, ये पानी का है, इसका भी शिकार होता है? नहीं, ये फार्मी है, आते इसमें। अच्छा, ये फार्मी है, आते लोकल है, ये लोकल है। ये यूसुफ भाई, ये टर्की है, टर्किश मुर्गी। इसमें कौन सा? एक ये है और एक वाइट है, वाइट एक ग्रेट जोड़ा है, तो इसमें ग्रेट पड़ा हुआ है। इसके क्या प्राइस है यूसुफ भाई? ये 10000 रुपये कोई भी? ये 3 जोड़ों में से कोई से मिलेगा? 10000 रुपये बराबर ढक भी रखी है। मोर दिखाए ना यार? ये पड़े, ये पट्टे पड़े हैं मोर के, ब्लैक शोल्डर के पट्टे हैं। ये कितने का एक पड़ता है भाई? पेयर 20000 रुपये। 20000 रुपये का एक पेयर? पेयर मतलब 10000 रुपये। थोड़ा सा ठीक है भाई। और ये जो वाइट, वाह, ये कितने का यूसुफ भाई? वाइट जोड़ा 25000 रुपये का एक मोर, जोड़ा यानी 12000 रुपये का एक बतख भी है यूसुफ भाई के पास भाई, माशाल्लाह। यूसुफ भाई बहुत मज़ा आया, यकीन माने आपसे बात करके, और आपने इतना कॉपरेट किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इससे जज़ा दे। यूसुफ भाई अपना नंबर बताया। मेरा नंबर याद नहीं आ रहा।
याद नहीं आ रहा, चले मैं लिख दूंगा आपका नाम क्या है यूसुफ और इधर का एड्रेस पता है आपको? दुकान का नाम मलिक जान। मलिक जान, मलिक जान, हाँ मलिक जान दुकान का। ये नाजिन मलिक जान के नाम से सदर में शॉप है और ये इनके पास बहुत सारी माशाल्लाह से वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे क्लाइंट इनके पास आते हैं। और मैं आपको ये वाले यूसुफ भाई हमने ये चीज़ें नहीं बताई, ये क्या है? ये डब है, डब ये भी घर में रखते हैं। ये कितने का कपड़ा? 2000। और ये ऊपर ये 3000। ये भी डब है। ये कौन सा होता है? बजरी। तो वीवर ये था हमारा आज का एपिसोड, जैसा कि आपने देखा और हमने यूसुफ भाई से बात करी। यूसुफ भाई बहुत अच्छे मिजाज के आदमी हैं, अब्दुल मालिक भाई भी सामने बैठे हैं माशाल्लाह। अब्दुल मालिक भाई अपना नंबर आप बोलने प्लीज। 0312127-6246। मलिक भाई आप मुझे ये बताएं, कोई मैसेज देना चाहेंगे परिंदों की केयर करने के हवाले से, कि जो भी लोग रखते हैं उनको केयर करना तो अच्छी बात है, सवाब का काम है। परिंदे बंद करके रखते हैं, उसको दाना पानी ना खिलाना, ये तो बुरी बात है। थैंक यू सो मच यू, थैंक यू। नाजिन ये था हमारा आज का एपिसोड और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इन्जॉय करा होगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपने वो शरीर को याद कीजिए, कहाँ रहिए, खुश रहिए, अच्छा।